शख्स, मेरा नाम है फातिमा और मैं हूँ नुरिया बरोड़ा वाला और हम कोलकाता से है। हर किसी की एक एंटरप्रेन्योर जर्नी होती है। कोई मार्केट गैप देखता है, किसी को वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं और कईयों को तो सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। इसी तरह मेरी भी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी है। मैं हमेशा से एक होम बेकर थी, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए केक्स बनाकर खुश थी, लेकिन कोविड के दौरान एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया और इसी के साथ शुरू किया केकलिशियस अपनी मम्मी के साथ। जब हमने केक्स बनाना शुरू किया तब हमने रियलाइज किया कि केक्स जितने भी डेलिशियस क्यों ना हो वो डेलिकेट होते हैं और डिलीवरी के टाइम पर अगर वो स्मज हो जाए तो खाने वाले का मूड खराब हो जाता है। इसीलिए हमने बनाए केक टब्स, जो है केक्स इनसाइड अ बॉक्स। हमारे केक 3 डिफरेंट साइजेस और 30 डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे कि मैंगो मंडेज, तिरामिसु ट्यूसडेज, वॉलनट वेडनेसडे। शख्स, हमने शुरुआत की थी हमारे घर के किचन से और आज हमारे पास 2 क्लाउड किचन और 1 रिटेल स्टोर है। हम अपने केक टब्स जोमैटो और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑन एन एवरेज हम 500 केक टब महीने में बेचते हैं और आज तक हमने 2,00,000 कस्टमर से भी ज्यादा को सर्व किया हुआ है। हमारा विजन ये है कि केक सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए नहीं, केक टब्स के जरिए से आपके एवरीडे क्रेविंग्स का हिस्सा बन जाए। हमारी आस्क है 25 lakhs फॉर 5% इक्विटी। तो शख्स, जुड़ी हमारे साथ, बिकॉज वी आर करेजियस, आवर केक्स आर डिलीशियस एंड वी आर केकलिशियस। वाओ, मजा आ गया। फातिमा जी और दुरिया, शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। आपने शुरुआत की थी कुछ कहते हुए कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को छोड़ के आपने ये शुरू किया, तो उसकी कहानी अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। यस शख्स, मैं एक्चुअली बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ग्रेजुएट हूँ। वाओ। और मैंने विप्रो में काम किया हुआ है फॉर 6 months। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट पक्की हो गई थी एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई गॉट मैरिड। सो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज इट वॉज गेटिंग वेरी वेरी फिजिकली अब्यूसिव द रिलेशनशिप। तो कोविड के दरमियान वहाँ रेड जोन था जहाँ पे मैं रहती थी, हुबली में। मैंने अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके और पुलिस अथॉरिटीज का हेल्प लेके, रेस्क्यू फ्लाइट्स थी उस समय, तो मैंने रेस्क्यू फ्लाइट लेके कैलकटा पहुँची थी और उस समय मैं 4 months प्रेगनेंट थी। तो मैं फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। तो मेरे को केक्स बनाने में से हमेशा खुशी मिलती थी, बेकिंग वॉज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट डाले अपने काम के एंड इट्स गेव अ गुड रिस्पॉन्स। तो उसी से फिर हमने अहेड सोचा कि मुझे कुछ करना है अपनी डॉटर को प्राउड फील कराने के लिए, तो मैंने केकलिशियस की शुरुआत की। आप पॉजिटिविटी कैसे लाए इस पूरे एपिसोड में, बिकॉज यूजुअली लोग पास से उभरते नहीं है ऐसे में। ये पॉजिटिविटी तो पूरी क्रेडिट्स मेरी मॉम की है और मेरे पापा की। यूजुअली क्या होता है कि फैमिली लोग दे गेट रियली अशेम्ड, पर मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी फॉर व्हाटएवर आई डिड। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज केकलिशियस जो है वो है। तो स्मार्ट मदर की स्मार्ट डॉटर, आपने भी तो ये उम्र में बिजनेस में वेंचर आउट किया है, सो बिग क्रेडिट टू यू। मम्मी डे टू डे क्या रोल प्ले करती है? मम्मी हेड शेफ है वहाँ की, बेकिंग पार्ट है वो ध्यान रखती है 2 क्लाउड किचन्स में। बहुत ही स्वीट जोड़ी है आप लोग। फातिमा जी, दुरिया जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो केक है ये असली है नकली है? सब असली है। तो ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। What is this? शख्स, ये हमारी पैकेजिंग है। अच्छा, इसके अंदर है तो नहीं ना? नहीं। इसमें दूध होगा? नो शख्स, ये तिरामिसु ग्लूटेन फ्री है। ओह माय लॉर्ड, थैंक यू। जनरली यहाँ पे डिजर्ट्स आता नहीं दूध के बिना। बहुत ही अट्रैक्टिव है आपका। आप लाए हो टेस्ट करने के लिए? ये रेसिपीज कौन डिजाइन करता है, आप या दुरिया जी? वो जो बेस है वो एक 90-year-old रेसिपी है, मेरी मॉम ने उनकी मॉम से सीखा था और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स और प्रीमिक्सेस बिल्कुल भी नहीं है और उसके बावजूद ये फ्रेश रहते हैं फॉर 2 weeks।
अंडर -15 डिग्री सेल्सियस। खत्म हो गया मेरा तो डिजर्ट, मेरा भी हो गया। पीयूष तुम डाइट पे थे। छोटी केक को वैसे पेस्ट्री कहते हैं, तो क्या आप इसको पेस्ट्री का रिप्लेसमेंट की तरह आप देख रहे हैं कि क्योंकि बात नहीं बैठ रही है पूरी तरह दिमाग में। जो पेस्ट्रीज होती है शख्स, उसे में भी यही प्रॉब्लम होता है कि डिलीवरी के टाइम पे वो पूरी डिब्बे के ऊपर चिपक जाती है, तो वो फिर खाने के लायक नहीं रहती है। और ऊपर से केक टब्स बिकॉज ये इतने स्टर्डी रहते हैं, इसमें कोई फिनिशिंग की जरूरत नहीं है। जैसे केक को प्रॉपरली अगर आप बनाते हैं, पूरा डिजाइन करते हैं, तो एक घंटे का टाइम लगता है, और जो केक टब्स बनाते हैं वो रिड्यूस हो जाता है उसका टाइम 5 मिनट्स में। बट ये वाले टब मैंने देखे हुए हैं बहुत बार, मतलब आते हैं मार्केट वगैरह में, राइट? जी शख्स, हमने ये 2020 में इंट्रोड्यूस किए थे, बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे हमने डाले थे, तो ये रेप्लिकेशन तो इज वेरी नेचुरल बिकॉज ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए। अच्छा, समझ गया। तो आप यहाँ शार्क से क्या चाहते हैं? शख्स, जब भी हम डिनर के बाद किसी डिजर्ट का देखते हैं तो आइसक्रीम देखते हैं, वॉफल्स देखते हैं, लेकिन केक्स इतने डिलीशियस होने के बावजूद एक सेलिब्रेशन के लिए फिक्स हो गए हैं। ग्रेट पॉइंट। शख्स, मोंजिनीज जैसे हर गली नुक्कड़ में है ना, ऐसे ही केकलिशियस को हर गली नुक्कड़ पे रखना है। बहुत बढ़िया। तो अभी सेल कितनी है आपकी? लास्ट 3 मंथ से सेल हो रही है 2 लाख 2.5 लाख, और इस मंथ के 2.5 लाख की ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 3 लाख। और अभी आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, 2.5 लाख में कितना आपका प्रॉफिट है, क्या खर्चे हैं, वो थोड़ा समझाइए। शख्स, हमारी जो बेस्ट सेलिंग अभी ये 2 महीने से है वो लोटस बिस्कॉफ और टीरामिसू है, जो आपने टेस्ट किए, उसका प्राइस है 350 रुपीज, इसको बनाने में लगते हैं 140 रुपीज, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 60% हो जाता है एंड नेट प्रॉफिट 40। मेरी ताई जी बहुत केक बनाती है, मुझे उनके केक बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे ही मुझे आज आपका केक भी बहुत अच्छा लगा। रैट रेस में मत जाइए कि सब इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा। मेरे को लगता है कि आप अपना अच्छा मस्त बिजनेस चला रहे हैं, उसको चलाइए, इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए तरफ मत जाइए, अगर कोई देगा भी ना मना कर दो, ठीक है? चल, थैंक यू, आई एम आउट। थैंक यू शख्स। और अभी 2.5 लाख में आपने कुछ कमाया पिछले महीने? जी शख्स, हमने 80,000 रुपीज प्रॉफिट कमाया है। तो मुझे क्या लगता है ना, जैसे अमन ने कहा 2.5 लाख में आप 80,000 कमा रहे हैं, धीरे धीरे करके 4, 5, 10 लाख की सेल हो जाएगी, तो आप 4 लाख रुपए महीना कमाएंगे, विच इज सिग्निफिकेंट अर्निंग, और उसके बाद ही आपको किसी को कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट मुझे भी डांट पड़ने वाली है नमिता से कि मैंने पूरा खा लिया है बिकॉज मैं डाइट प्लान पे था। Yes. पर आपका जो प्रोडक्ट है केक, इसमें आप अपना नाम बना सकते हैं बिकॉज इससे वर्ड ऑफ माउथ होगा, और आपका रेस्टोरेंट भी चल रहा है, उसी से एक रेस्टोरेंट जब चलने लग जाए दूसरा खोलिए, पर इसमें भी मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। मेरे कुछ सवाल, जैसे आपने बताया 2.5 लाख का रेवेन्यू, इनको थोड़ा डिटेल में बताएंगे कितना दुकान से आ रहा है, कितना ऑनलाइन डिलीवरी से आ रहा है? शख्स, हमारा इंस्टाग्राम जो है बिजनेस वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो 40% रेवेन्यू हमारे इंस्टाग्राम एड्स और डीएम से आता है, बाकी 30% हमारा जोमेटो से आता है, 20% शॉप से आता है, एंड 10% हमारा वेबसाइट से आता है। आपके रिपीट ऑर्डर आते होंगे, आपके बहुत सारे कस्टमर आपसे लेके जाते हैं दोबारा? हाँ, हाँ, शख्स, हमारे 80% कस्टमर्स वापस हमें ऑर्डर्स देते हैं। वाओ। और शख्स, हमारे शॉप में तो कई बार ऐसे लोग आते हैं जो 30 फ्लेवर्स 30 डेज के लिए ट्राई करते हैं। मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ आपकी जर्नी से, इस तरह से आपने चालू किया, मैं ऑफर देना चाहूँगा। वाओ, ऑफर! बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, एक तो आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है जो अपन बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज है, उसमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी हमारे को। मेरा ऑफर है 15 लाख इक्विटी के लिए 15%, यानी कि 1 करोड़ रुपये की कंपनी की वैल्यू लगे, और बाकी 10 लाख मैं देना चाहूँगा डेट के अंदर इंटरेस्ट फ्री। ओके, वाओ, बहुत अच्छा ऑफर है। मुझे ये लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का आविष्कार किया आपने, जो केक इन अ टब है, और नए नए आविष्कार करने चाहिए टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो आई थिंक यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ओवर टाइम, तो ये एडवाइस मैं दूंगा, बाकी मुझे नहीं लगता है मैं आपको इसमें कोई हेल्प कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं आज आउट हूँ, लेकिन आपको एक अच्छा ऑफर मिला है। फर्स्टली फातिमा जी, यू आर अ रोल मॉडल एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाई यू, बट मुझे नहीं लगता है कि इतने क्लटर्ड मार्केट में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी टू मेक इट अ पैन इंडिया ब्रांड।
जो कॉन्फिडेंस अमित में है, आई मीन आई विल नॉट बी एबल टू एड दैट वैल्यू टू यू, बट थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी टुडे. आई विश यू द बेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू बी आउट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलिए, तो आपके पास एक ऑफर है, इससे बेटर ऑफर मुझे नहीं लगता आपको मिल सकता है. शख्स, क्या मैं अपने फादर जो मुझे बिजनेस में हेल्प करते हैं फाइनेंस रिलेटेड, मैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगी इफ दे आर ओके. बिल्कुल. No, I'm happy you're helping. बड़ी good brand. That's really good. देख, फाइनली है ना, अपने को D2C में स्पेस ढूंढनी होती है. ये केक्स कितने के मिलते, क्लटर कहाँ पर है, उसको ब्रेक कैसे करना है, वो देखना. 10% can make that without interest. Yeah. My thought was like we can just counter, but let's see whatever it is. Shucks, आपकी इजाजत हो तो एक काउंटर है. अरे वाह, मजा आया सर. करिए करिए. Shucks, can we do 25 lakhs for 15%? Just do away with the debt. अरे मैं आपको एक और काउंटर देता हूँ. 25 lakh पे 20% डिपेंड. 5% कल. 5% ये बात. मैं आपको दिल से मदद करना चाह रहा हूँ आपकी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपने भी समझ में आ चुका है. बड़ी कंपनी बनानी चाहिए अपने को इस स्किल पे, तो आप इतना मत सोचिए. आप डेट ले लीजिए. आप इनकी मत सुनिए. बोलिए. ओके, डन डील. थैंक यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Goodbye.